उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान रा दौरा मा थे, त्रिपुर सुंदरी रा करिया दर्शन, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में राख्या दीक्षांत समारोह में छात्रा सो संवाद करिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा रा लाभार्थियों सो वर्चुअल माध्यम सो संवाद करिया, कया देश में लोग विकसित भारत रा संकल्प सो जुड़ रहा है। कांग्रेस सांसद रा घर सू आयकर विभाग री छापेमारी, भाजपा कांग्रेस माथे भ्रष्टाचार रो आरोप मांड्यो, विधायक और कार्यकर्ता प्रदर्शन करिया। प्रदेश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत राखी गई, आपसी समझाइश जरिए लंबित मामला रा हल काढ़िया गया। और गृह विभाग गोगा मेड़ी हत्याकांड मामला री जांच एनआईए ने सोमवारी मांग करी, हाल ताई एसआईटी या जांच कर रही। नमस्कार, समाचार में आपरो स्वागत है। समाचार रे सागे मैं रचना पारिक और अब समाचार विस्तार सु। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान रा दौरा माथे है। इन दौरान उपराष्ट्रपति बांसवाड़ा में त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना करी और देश प्रदेश री उन्नति री कामना करी। मंदिर में पुलिस कर्मियों सुरक्षा रा पुख्ता इंतजाम करिया गया। इंडे पछे उपराष्ट्रपति गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में राख्या दीक्षांत समारोह में भाग लेर पढ़निया सु संवाद करिया। अरब नजर डाला हां विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी खबरा माथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा रा लाभार्थियों से संवाद करिया। वर्चुअल माध्यम से कराया गया संवाद में देश भर से लाभार्थी जुड़िया। इन दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि पूरा देश में लोग विकसित भारत रा संकल्प से जुड़ रहा है। वे कहा कि सरकारी कोशिश है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी हर गांव तक पुगे। अच्छा प्रियंका जी, जब ये गारंटी वाली गाड़ी आपके गाँव आई है तो वहाँ क्या माहौल है? इतनी बड़ी तादाद में सब बहने बैठी है, उत्साह का माहौल है, तो क्या लगता है लोगों को? मिथिलांचल का रीति रिवाज से उसको हम गारंटी वाला मोदी को गाड़ी को बहुत सम्मान करते हैं और पूरा खुशी खुशी से मनाया जाता है और मतलब वो बहुत काफी जोरदार से चल रहा है सर। अच्छा, आप खेती करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, कौन चीजों का करते हैं? क्या आप नेचुरल फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं कि पुरानी जो पद्धति होती है वही करते हैं? नहीं, मैं फिलहाल सर जो आपकी जो भारत सरकार ये योजनाएं हैं और जो गुजरात सरकार की जो योजनाएं जो उसमें RKVY और AGR 2 AGR 50 उसमें से मुझे जो ट्रैक्टर उसके जो इक्विपमेंट है वो लिया सर। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी को लेकर जो उत्साह गांव गांव में देख रहा है, हिंदुस्तान के हर कोने में देख रहा है, चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, बहुत ही छोटा गांव हो या बड़ा गांव हो, और कुछ तो जान पर मैंने देखा है कि गाड़ी का रूट नहीं है फिर भी लोग गांव वाले रास्ते में आगे खड़े हो जाते हैं और गाड़ी को खड़ी रह करके सारी जानकारियां लेते हैं, तो ये अपने आप में अद्भुत है। किसी को मुफ्त इलाज मिला है, किसी को मुफ्त राशन मिला है, किसी को गैस कनेक्शन मिला है, किसी को बिजली कनेक्शन मिला है, किसी का बैंक खाता खुला है, किसी को पीएम किसान सम्मान निधि पहुंच रही है, किसी को पीएम फसल बीमा का लाभ मिला है,
किसी को पीएम स्वनिधि योजना से सहायता मिली है, किसी को पीएम स्वामित्व योजना के जरिए प्रॉपर्टी कार्ड मिला है। यानी मैं योजनाओं के नाम अगर बोलूंगा, जब मैं देख रहा था हिंदुस्तान के हर कोने में चीजें पहुंची है, देश के गांवों में करोड़ों परिवारों को हमारी सरकार की किसी न किसी योजना का जरूर लाभ मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रे साथे विकसित भारत संकल्प यात्रा सु जुड़ा प्रदेश भर रा लाभार्थी संवाद करिया। इन्हीं कड़ी माए बीकानेर सु भी लाभार्थी वर्चुअल माध्यम सु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनिया और संवाद करिया। इन दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल समेत कई अधिकारी और किसान मौजूद रिया। देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा ये करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में पूरे देश में जाने वाली है। उसके बाद नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगमों में भी ये यात्रा जाएगी। इसका एक ही पर्पज है कि हम 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। अब तक जो हमने काम किया वो आपके समक्ष है, और भारत विकसित कैसे बन सकता है इसमें आपका क्या योगदान हो सकता है, नागरिक के नाते आपके सुझाव देने का भी योगदान हो सकता है। कोई योजना हमारी चल रही है उसमें कुछ खामियां हैं, उसमें आप संशोधन का सुझाव भी दे सकते हो। आप योजना इस तरह से इम्प्लीमेंट करें तो ज़्यादा नागरिकों को फायदा होगा, ये भी कह सकते हो। हमारी इकोनॉमी की साइज कैसे बढ़े ये सुझाव भी दे सकते हैं। तो संवाद का कार्यक्रम है पर्टिकुलरली कि हम संवाद करेंगे जनता से कि भारत को हम 2047 तक विकसित भारत कैसे बनाएं, उसमें जो सुझाव आएंगे उनके बारे में चर्चा होगी। स्कीम्स हैं इंडिविजुअल बेनिफिशरीज की, उनमें जो अभी भी व्यक्ति बचे हुए हैं उनको अवेयर करके उन स्कीम में जोड़ना, साथ ही जगह जगह मोबाइल वैन के माध्यम से हर पंचायत को कवर किया जाएगा, वहाँ पर इन स्कीम्स के बारे में लोगों को अवेयर किया जाएगा। तो अगले 6 सप्ताह में पूरे जिले में मोबाइल वैन के माध्यम से अलग अलग वर्गों को इन योजनाओं से जोड़ा जाएगा, उनके बारे में जागरूक किया जाएगा। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा जो शुरू हुई है उसका सिर्फ मोटिव यही है कि जो भी सरकार की, केंद्र सरकार की योजना है वो डायरेक्ट जन तक पहुंचे, और इसके तहत हमने देखा है कि अनेकों योजनाएं डायरेक्ट लाभार्थी मिले हैं। साथ में जो यात्रा का रथ है, वैन है, उससे उसमें जहाँ भी वो जाती है उसके शिविर भी लगते हैं और वहाँ पे अनगिनत लोगों को फायदा भी मिल रहा है, वो डायरेक्ट फायदा मिल रहा है। पॉइजन फ्री फार्मिंग है जिससे हमें आरोग्य जीवन के लिए पोषण युक्त आहार मिलता है और किसान की आय इंक्रीज कैसे हो इसके ऊपर, और आत्मनिर्भर किसान जो बाजार का गुलाम न हो, घर का बीज, और हमें जिससे मेडिसिन खर्च भी कम होता है, हर गरीब अमीर को आरोग्य जीवन के लिए पोषण युक्त आहार मिलता है। ये इसमें मैं वर्मी कंपोस्ट, मेरे पास पशु है उनसे मैं वर्मी कंपोस्ट यूनिट बना रखी है, उनसे वर्मी कंपोस्ट खाद बनाता हूँ। किसान को लाइट की जरूरत नहीं है, सोलर सिस्टम पे थोड़ा ध्यान देना तो मतलब अनकमांड ज़मीन में भी किसान पैदा कर सकता है, बरसात का पानी स्टोरेज कर सकता है डिग्गी पे, जैसे इसराइल की टेक्नोलॉजी पे। जैसे मैं इसराइल गया था ना 2012 में, तो वहाँ पानी है ही नहीं, बरसात का पानी स्टोरेज करके अपने इंडिया से एडमास है वहाँ का किसान, तो वहाँ की जानकारी करके हमने यहाँ कुछ किया है तो फायदे का सौदा है। प्रधानमंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आज जोधपुर कृषि विज्ञान केंद्र में राख्यो गयो, जिनमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि रूप में मौजूद रहा। कार्यक्रम में विकसित भारत संकल्प यात्रा रा लाभार्थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से सुनिया। इन मौका माथे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा कार्यकाल में भारत विकसित देशानी श्रेणी में सबू आगे है। योजनाएं बनती थी, योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाता था और एक आशा का दीपक गरीब मानवीय के मन में, सामान्य मानवीय के मन में जलाया जाता था। लेकिन संसाधनों की सीमितता के चलते हुए कुछ कतिपय चुने हुए लोगों के तक ही उसका लाभ पहुंच पाता था, और साधारण गरीब गांव में बैठा हुआ
या विकास की पंक्ति में अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति दूर से टमटिमटवाते हुए उस दिए की रोशनी को देख करके केवल इस बात की आशा ही करता था कि शायद कभी मेरे घर में भी इस तरह का दीपक जलेगा। आज की जो यात्रा स्टार्ट हुई है, क्या कहना चाहिए? विकसित भारत यात्रा वास्तव में केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उनका आम जन तक पहुंचे और आम जन को उसका लाभ हो, इसके लिए जो ये यात्रा का प्रयास है ये जन जागरण का है। राष्ट्रता के मामले में, देश हित में हम जनता को जागृत कर सकें, इस यात्रा का लोगों को आने वाले समय में लाभ मिलेगा। क्योंकि हम सोचते हैं कि योजनाएं तो जन कल्याणकारी होती है, परंतु आम व्यक्ति को उसकी जानकारी नहीं होने के कारण उसका लाभ नहीं मिल पाता है। अब उसकी जानकारी और उसका लाभ मिले और अधिकारियों को भी ये सचेत हो जाना चाहिए कि अब सरकार इन सारी योजनाओं का लाभ और उनके ऊपर उनको गंभीरता से काम करते हुए व्यवहारिक दृष्टि से योजना का लाभ सबको मिले। जनहित की जो योजनाएं हैं उनका लाभ अब निश्चित रूप से लाभार्थी को पहुंचेगा, ये कहना है राजेंद्र गहलोत जी का। और उन्होंने कहा है कि मोदी जी की जो यात्रा है वो भारत के कोने कोने में गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर लोगों को लाभ प्रदान करेगी। बाड़मेर में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम रखे गयो, जिन में लाभार्थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद करिया। इन दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं और संकल्प यात्रा रा लाभार्थी मौजूद रिया। इन दौरान किसानों ने ड्रोन तकनीक री जानकारी दी गई। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कांग्रेस माथे भ्रष्टाचार रा आरोप मांडिया है। आज जयपुर में भाजपा मुख्यालय में पत्रकार वार्ता ने संबोधित करता था कहा प्रदेश अध्यक्ष कया के कांग्रेस सांसद रा ठिकाना माथे पड़िया छापा में मिली 200 करोड़ रुपया री बत्ती नकती कांग्रेस पार्टी रो भ्रष्ट होबा रो प्रमाण है। भ्रष्टाचार का कांग्रेस का अब तक का सबसे बड़ा इतिहास रहा है। और जब एक व्यक्ति के ये हालात होंगे तो आजादी से लेकर अब तक देश भर में और अनेक प्रांतों में जिस पार्टी की सरकार रही है ये एक व्यक्ति का असली चेहरा है। बाकी लोगों ने इस देश के गरीब जनता को कैसे लूटा होगा और भ्रष्टाचार की कमाई से अपनी कितनी अलमारियां भरी होगी, ये जीता जागता उदाहरण ये पूरा देश देख रहा है कि जो लोग आदरणीय मोदी जी के ऊपर इस प्रकार से जांच एजेंसियां जब काम करती है तो इनको पेट में तकलीफ इसी बात की होती है कि हमने जो भ्रष्टाचार की आग में जो देश को डाला है इतने वर्षों से, आजादी से लेकर अब तक, उनका असली चेहरा अब जनता के सामने आ रहा है कि कौन ये वही व्यक्ति हैं जो राहुल गांधी जी के बहुत नजदीक के फोटो भी आप लोगों ने देखे हैं कि हर कार्यक्रम में वहां उनके साथ इर्द गिर्द दिखाई देते हैं। तो इसीलिए देश की जनता कहने लगी है कांग्रेस मतलब करप्शन की दुकान। और ये इसलिए कहा जाता है इनको मोहब्बत सिर्फ पैसों से है, इनको मोहब्बत सिर्फ लूट से है। और इसीलिए इस मोहब्बत की दुकान में कितना बड़ा ढेर नोटों का आप सब लोगों ने, पूरे देश ने और आप ही लोगों के माध्यम से देश की जनता ने देखा है। हाल ही में कांग्रेस सांसद धीरज साहू रा ठिकाना माथे आयकर विभाग रा छापा में मिली नकदी रा मामला माथे भारतीय जनता पार्टी आज जयपुर में प्रदर्शन करिया। प्रदर्शन में भाजपा रा विधायक बाल मुकुंदाचार्य, गोपाल शर्मा समेत भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रिया। इन दौरान कार्यकर्ता कांग्रेस सांसद रो पुतलो बाड़ियो। इन मौके बाल मुकुंदाचार्य कया के भ्रष्टाचार ने लेर मोदी सरकार री जीरो टॉलरेंस री नीति है। 5 साल गहलूट की सरकार, अब देख लीजिए पूरे जहां जहां इनके सांसद एमएलए हैं उनके यहाँ निकलना प्रारंभ हुआ है। ये मानेगी जैसा कहा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो अब धीरे धीरे इनकी अलमारियों से, बिस्तर से, कमरों से, अब इनके पेट से भी सोना रुपए निकलने वाले हैं। ये भ्रष्टाचारियों की सरकार
जब से आजादी ये लूटने पे लगी है, ये लगाम लगी है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद लगी है। और एजेंसियां पूर्णतः स्वतंत्र है और वो इनकी जांच करे और भी इनके साथ जुड़े हुए उनका भी जहां जहां छुपा रखा है सब माल निकाले। देखिए कांग्रेस और भ्रष्टाचार दोनों जुड़वा भाई हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। तो जब तक इनके भ्रष्टाचार की पूरी सफाई नहीं होगी, इनसे पाई पाई का हिसाब नहीं लिया जाएगा, जब तक ये जेलों में नहीं भेजे जाएंगे, तब तक जनता के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। तो जनता की न्याय के लिए भाजपा सड़कों के ऊपर है और भाजपा के साथ जनता है और हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय नरेंद्र मोदी। प्रदेश माए आज रालसारी कानीसू हाईकोर्ट समेत प्रदेश निचली अदालत माए इन बरसरी चौथी और आखिरी राष्ट्रीय लोक अदालत राखी जारी है। इन लोक अदालत माए लंबित मामलारी सुनवाई खातर हाईकोर्ट समेत निचली अदालत रा 505 बैंड बनाई गई ही बठिने मामलारी सुनवाई ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीका सुबेरी। राजस्थान राज्य विधिक प्राधिकरण रा कार्यवाहक अध्यक्ष जस्टिस एमएम श्रीवास्तव लोक अदालत रो उद्घाटन करिया। इन मौके वे कया के लोक अदालत रे जरिए कई बरसा सो लंबित मामला रो निस्तारण करियो गयो। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निस्तारण करने में विश्वास रखते हैं। आमजन, अधिवक्ता, सरकारी अधिकारी कर्मचारी और मीडिया, मेरा सभी से अनुरोध है कि लोक अदालत की जो भावना है और इसका जो महत्व है, इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करवाया जाए, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे प्रकरण जो दो परिवारों के बीच में बहुत सालों से चले जा रहे थे और जिसकी वजह से दसों प्रकरण निकले, एक प्रकरण का निस्तारण, 15 से 20 प्रकरणों का निस्तारण तो करते ही है, उनके बीच में आपस में जो प्रेम और सौहार्द को भी स्थापित कर देता है, अन्यथा वो लोग तो लंबे समय तक निचली अदालत, अपीली अदालत में लड़ते रह जाते हैं। तो हमारा पूरा प्रयास ये है कि जितने भी जिनके प्रकरण न्यायालयों में हैं और जिनको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कोई विवाद खड़ा हो सकता है, जो प्रीलिटिगेशन में आता है, उन सब से हम लोग का ये निवेदन है और सभी को हमारा ये संदेश है कि कोई भी विवाद हो, आप राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण का जो कार्यालय जयपुर और जोधपुर में है, साथ ही प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला विधिक सहायता समिति है, तालुका में भी हमारी समिति बनी हुई है, वहाँ अवश्य जाएं, अपनी समस्याएं बताएं और हम जरूर उसका निस्तारण करने का प्रयास करेंगे, ताकि मुकदमे जो न्यायालय में पेंडिंग है वो जल्दी जल्दी खत्म हो और जो न्यायालय में आने वाले प्रकरण है वो न्यायालय में ना आके आने के पहले ही उनका निस्तारण हो जाए। बूंदी माए भी राष्ट्रीय लोक अदालत रखी गई। बूंदी जिला मुख्यालय माथे 8 बेंच और तालुका वार 6 बेंच बनाई गई ही, जिनके जरिए बैंक, विद्युत विभाग, जमीनी और पारिवारिक विवाद समेत कई मामलारी हल काढ़वारी कोशिश करी गई ही। मेरे पिताजी ने लोन ले रखा था बैंक ऑफ बड़ौदा से, वो दे नहीं पाए, वो 12 लाख के करीब 18-19 लाख हो गए हैं और आज लोक अदालत में बैंक और हमारे बीच में जो फैसला हुआ है वह 4 लाख का हुआ है। मेरे को बहुत खुशी है लोक अदालत से और बैंक वालों से। ये मेरा जो नया कनेक्शन था बिजली का, 3 फेज का, जिसको मैंने 6-7 महीने से कंप्लीट थी ले और उसमें मैं विभाग के 6-7 महीने से चक्कर काट रहा था, फिर नहीं मिलने, ट्रांसफार्मर नहीं देने के कारण मैंने उपभोक्ता में अपील की थी और आज वो लोक अदालत में उस पर ऐसा आश्वासन दिया गया है कि सोमवार को या मंगलवार को ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इस वर्ष की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य यही रहता है कि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठाएं और आपसी भाईचारा और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे, लिटिगेशन आपस में कम हो और समय और धन की बचत हो सके, क्योंकि राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरण का निस्तारण होने से उसकी कोई अपील नहीं होती है और लिटिगेशन पूरी तरीके से समाप्त होता है।
श्रीगंगानगर रायसिंह नगर में राखी राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय और राजस्व न्यायालय लंबित मामलों रो निपटारो करो गयो। इन दौरान सेशन न्यायाधीश अनिल कुमार शर्मा बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य जनता ने राहत देनो है। जी सर, हमारे गांव के पास का एक अर्जुन सिंह जी का नाम का खाता है, तो उनकी टोटल अमाउंट थी 7.5 लाख रुपए, तो उनका वो छूट करके और 3,75,000 रुपए में सेटल हुआ है। तो उन्होंने 10,000 रुपए टोकन मनी जमा करवा दी और उसके बाद हफ्ते के अंदर वो टोटल अमाउंट जमा करवा देंगे, तो उसमें उनको अच्छी खासी छूट मिली है। आज 9 दिसंबर को जो रायसनगर के अंदर लोक अदालत लगाई गई है, जिसमें हमारा नेत्राम जी के खाता नंबर जो पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से लोन था जो 10 लाख का था, जिसमें हमने वो बैंक ने आकर हमें 3.5 लाख रुपए में सेटलमेंट कर दिया है, जिसके कारण हमें इसका फायदा मिला है, बहुत ही खुशी है। झुंझुनू में राखी राष्ट्रीय लोक अदालत में 11 बेंच के जरिए जिला भर रहा 22,000 मामला निपटाया गया। झुंझुनू जिला सेशन न्यायाधीश देवेंद्र दीक्षित बताया कि लोक अदालत में बिजली विभाग जमीनी और पारिवारिक मामला समझाइश साथ निपटाया गया। बैठे ही सीकर में भी राष्ट्रीय लोक अदालत रखी गई। सीकर जिला न्यायाधीश राजेंद्र शर्मा बताया कि लोक अदालत के दौरान आपसी समझाइश से मामला निपटाया गया। गृह विभाग गोगा मेड़ी हत्याकांड मामला की जांच एनआईए ने सोमवारी मांग करी है। इनसे पहले हत्याकांड की जांच एसआईटी करी ही। बतायो जावे है कि राष्ट्रीय करणी सेना रा अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी री जयपुर माए वारा आवास माथे गोली मार हत्या कर दी गई ही। दौसा में 6 बरसरी बच्ची रे साथ दुष्कर्म रा मामला ने लेर लोगा में आक्रोश है। इन्हें लेर आज समाज रा लोग जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर आरोपिया ने गिरफ्तार करबारी मांग करी। बठीने दौसा पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा री अगुवाई में बनाई गई टीम आरोपिया री तलाश में जुटी है। जैसा कि आपको विदित है कि पिछले एक दिन दो दिन पहले जो ये घटना हुई है दुष्कर्म की, ये बहुत ही निंदनीय है। तो हमारी मांग यही है प्रशासन से कि भाई जल्द से जल्द ये ज्ञापन लिया जाए और इस पे कार्रवाई की जाए। और जिस तरह से घनश्याम जी ने कहा कि ये दुष्कर्म का जो मामला है इसमें कांग्रेस बीजेपी का कोई वो नहीं है, लेकिन हमारा एक कर्तव्य है कि हम भी सरकार को ज्ञापन दें और इससे समाज को भी एक सीख मिलनी चाहिए कि जब भी आप किसी सामाजिक समारोह में जाएं तो अपने बच्चों का थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने एंजॉयमेंट के लिए आप बच्चों को इग्नोर ना करें, नजरअंदाज ना करें। ये जो दरिंद भारतीय मानक ब्यूरो री जयपुर शाखा प्रमुख कनिका कालिया कया के बाजार से कोई भी वस्तु खरीदते टेम उनरी मौलिकता री जांच करता थका हॉलमार्क जरूर पतो करे। वे कया के BIS एयर कैप के जरिए भी लोग इन वस्तु री गुणवत्ता री जांच कर सके है। भारतीय मानक ब्यूरो का मेजर जो उद्देश्य है वो कंज्यूमर्स के राइट्स का प्रोटेक्शन करना भी है। हम मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में आते हैं, तो सभी ग्राहकों से एक यही मेरा निवेदन रहेगा कि BIS केयर ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करें, जो भी सामान अपना खरीदे वो अच्छी गुणवत्ता का खरीदे, उस पर ISI मार्क की जाँच करके खरीदे। कहीं पर अगर आपको कोई संशय होता है तो BIS केयर ऐप में उसको क्रॉस चेक कर लें। जो भी हॉलमार्क्ड आइटम आप ले रहे हैं उसमें भी HUID नंबर को BIS केयर ऐप के माध्यम से जांच कर लें, और ताकि अच्छी चीज़ आपको मिले। अगर आप गुणवत्ता चाहेंगे तभी आपको गुणवत्ता मिलेगी। तो एक जागरूक ग्राहक बने, अपने राइट्स और ड्यूटीज़ के लिए थोड़े से अपने प्रोटेक्शन में उनके एक महत्व को देखते हुए थोड़ा सा ध्यान रखें, अवेयर रहें और कोशिश करें कि क्वालिटी को ही बढ़ावा दें, तभी इस देश को हम सुदृढ़ बना पाएंगे।
जयपुर रा जयगढ़ फोर्ट रा पर्यटन स्थल रा रूप में है। 40 बरस पूरा हो बारे मौके आसू दो दिन रा फूड फेस्टिवल री शुरुआत पई। इन फेस्टिवल में कथक, लघु चित्रकला, ब्लॉक प्रिंटिंग माथे कई कार्यशाला राखी जा रही है। इन मौके सवाई पद्मनाभ सिंह बताया कि इन रो उद्देश्य राजस्थान री संस्कृति रो प्रचार प्रसार करनो है। क्योंकि ये किला एक हमारा जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, इतिहास है, उसका एक स्टेटमेंट है और उसकी एक टेस्टिमनी है। और मेरे जो स्वर्गीय नाना जी थे, श्री भवानी सिंह जी, उन्होंने इस किले को पब्लिक के लिए खोला 40 साल पहले। और मुझे बहुत खुशी होती है और बहुत गर्व होता है कि मैं आज ये एक फेस्टिवल जो है लॉन्च कर सकते हैं, जिसमें हम लोग जयगढ़ किले को, जयपुर के इतिहास को, आप देखेंगे हमारे यहाँ पर तरह तरह के टॉक्स हैं जो जयपुर के कछावा के इतिहास को, जयगढ़ जो किला है उसका एक जो डिफेंसिव पर्पज़ था उसके बारे में, उसके अलावा धुंधाड़ी जो भाषा है जो आजकल कम से कम लोग बोल रहे हैं उसके बारे में, और उसके साथ साथ बहुत सारे क्राफ्ट्समैन, आर्टिजन्स, मेरी मदर का जो फाउंडेशन है जो लेडीज़ के फील्ड में काम करता है, उसको हम लोग यहाँ पर बढ़ावा दे रहे हैं। रॉयल फैमिली ने सिटी पैलेस के अंदर भी इसी तरह से जो पुरानी कलाएँ जो लुप्त हो गई है, उन लोग लुप्त कलाओं को बढ़ाने के लिए, उनके विकास के लिए और उनके विक्रय के हिसाब से उन्होंने आर्टिजन्स को डायरेक्ट एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया है। और उस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ये हमें आर्टिस्टों को जो एक उत्साह मिला है कि इस आर्ट के लिए कोई तरह का संरक्षण मिल रहा है, इसको मार्केट मिल रहा है, तो जब चीज़ देखते हैं, समझते हैं, तो आर्ट आगे बढ़ती है। हमेशा से जो कलाएं हैं वो राजा आश्रय में पली बड़ी हैं और अपने मुकाम तक पहुंची हैं, तो आज के समय में भी इन कलाओं का संरक्षण हमें राजा आश्रय की तरफ से मिल रहा है, सिटी पैलेस राजदरबार की तरफ से मिल रहा है। और ये कलाएं जो हैं इन्हीं के चलते कई बार जैसे शिविर भी लगते हैं और वर्कशॉप भी लगाई जाती है, वो सब राजदरबार की तरफ से लगाई जाती है, तो इनके सानिध्य में ये कलाएं पनप रही हैं और अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। हिमालय रात तराई हल्का माए बर्फबारी रे पाछे ठंडी हवावा चालवासु प्रदेश रा तापमान माए गिरावट दर्ज करी गई है। लोग सर्दी से बचवा खातर कई भात्रा उपाय कर रहा है। प्रदेश रा एकमात्र पर्वतीय स्थल माउंट आबू माए पारो जमाव बिंदु माथे है, बट इन्हें दूजा जिला माए भी कमो कम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से आरे सारे दर्ज करियो गयो। और अब आखिर माए खास खबर एक और फेरू। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान रा दौरा माथे त्रिपुर सुंदरी रा दर्शन करिया, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में राख्या दीक्षांत समारोह में छात्रा से संवाद करिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा रा लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से संवाद करिया, कया देश में लोग विकसित भारत रा संकल्प से जुड़ रहा है। कांग्रेस सांसद रा घर आयकर विभाग री छापामारी, भाजपा कांग्रेस माथे भ्रष्टाचार रो आरोप मांड्यो, विधायक और कार्यकर्ता प्रदर्शन करिया। प्रदेश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत राखी गई, आपसी समझाइश के जरिए लंबित मामला रा हल काढ़िया गया। और गृह विभाग गोगा मेड़ी हत्याकांड मामला री जांच एनआईए ने सोमवारी मांग करी, हाल ताई एसआईटी या जांच कर रही ही। इंडे साथ ही समाचार और यू बुलेटिन अठे ही पूरो भी हो। नमस्कार।